तो जी मैं आ गई हूँ बाहर लॉन में, और पूरा घर का मैं आपका बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ कि घर का व्यू बाहर से कैसा लगता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, थोड़ी देर पहले ही हम लेट सो के उठे थे और अब मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करा है, क्योंकि रात में तो बहुत बुरी हालत थी, इसलिए मैंने कल पूरा दिन का ही थोड़ा छोटा ही मैंने ब्लॉग डाला था। ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाता क्योंकि जर्नी रही पूरे टाइम। तो हम लोग घर पे आ चुके हैं, दुगू की नानी के घर आ गए हैं, और ये है किचन एंड आराध्या। हेलो। तो आराध्या कैसा लग रहा है बेटा आपको? बहुत अच्छा लगता है मुझे घर, इसका तो मेरी फ्रेंड्स आती है और मुझे अच्छा लगता है, खेलते हैं, और वहाँ पे एक चॉक बोर्ड भी है और डॉल्स है यहाँ पे, और वो एक डॉल का किचन सेट है, बहुत साइड ये मुझे पसंद है। ये मम्मी बैठी हुई है हमारी मम्मी जो है अब खुश हुई है जब हम लोग आ गए हैं, वरना ये कहती कि तुम लोग कब आओगे। तो जी ये मेरी भाभी को मैं दिखाना चाह रही थी, बट वो छुप गई हैं, वो कैमरे में आने में थोड़ा सा शाय फील कर रही हैं, वो कैमरे में नहीं आ रही हैं। तो टुगू गया उनको बुलाने के लिए, बट वो आ नहीं रही, उनको मैं फिर लेके आती हूँ। सोच रही हूँ आज मैं आप लोग को यहाँ का जो गार्डन है उसका टूर कराऊँ। मैंने अपने गार्डन का तो एक ब्लॉग डाला ही है, वो भी आप लोग प्लीज़ देखिएगा, बहुत अच्छा मैंने बनाया था। और यहाँ लखनऊ में भी बहुत अच्छा गार्डन मेंटेन किया हुआ है मम्मी के घर पे। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ पूरा गार्डन, थोड़ा सा भी धूप कम हो जाए, बाहर धूप है बहुत ज़्यादा। एंड अगर दिखेगा तो मैं आपको डॉग से भी मिलवा दूंगी, जो डॉग है यहाँ पर सिम्बा, उसका नाम सिम्बा है, और वो मिल जाएगा बाहर होगा तो मैं आपको उससे भी मिलवा दूंगी। एंड बस अब हम लोग जो है थोड़ा सा अपना काम वाम निपटा लें, नहाई नहाई कर लें। आराध्या और डुगू तो नहा चुके हैं, मैं नहीं नहाई हूँ, मुझे भी नहाना है अभी। तो जी हम मिलते हैं थोड़ी देर से प्रखर के रूम में, जो मेरा छोटा भाई है, और आप देख सकते हो ये उसका रूम है, और उसने इस तरह से डेकोरेट कर रखा है, फ्लेमिंगोज लगा रखी हैं, उसका एक फोटो लगा हुआ है। और मैं अभी आपको पूरा रूम नहीं दिखा रही हूँ, बहुत मेस्ड अप है इस समय, जगह जगह कार्ड्स वगैरह फैले हुए हैं और उसका सामान रखा हुआ है। तो अभी बस मैं उसके रूम में आई थी, और एक मुझे उसके रूम में बहुत है वॉलपेपर, वो ये है, एंड ये म्यूजिक सिस्टम उसका रखा हुआ है, नीचे उसने ग्रास वाला स्टिकर लगाया हुआ है, एंड ये बेल्स हैं, और ये टीवी आ गया इधर, इधर साईं बाबा जी हैं हमारे, ये दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत प्यारा सा ये पेंटिंग टाइप में, मतलब ये पूरा डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स में, और ये भी अमेज़ॉन से ही उसने मंगाया था, मोस्टली सामान वो अमेज़ॉन से ही मंगवाता रहता है, उसको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने का अमेज़ॉन से बहुत ज़्यादा शौक है। और एक ये इसने लगाया है इस तरीके से, ऐसा दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, एक ये बनाया था, और ये इसका साइड टेबल है, इस पर रखी हुई है पिक्चर्स। तो उसने अच्छे से रूम डेकोरेट कर रखा है अपना, उसको बहुत शौक भी है। एक ये वाली वॉल है, इसमें बहुत सारी उसने पिक्चर्स इस तरह से लगाई हुई हैं, कोलाज टाइप का बनाया हुआ है, और स्मार्ट सा ऐसा रूम है कुछ। तो जी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में बाहर लॉन में, और पूरा घर का मैं आपका बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ कि घर का व्यू बाहर से कैसा लगता है, एंड इस तरीके से है कुछ, दिखाती हूँ मैं आपको। तो जी ये ऐसा है मेन, देखिए ये तो मेन गेट है, एंड इस तरीके से यहाँ से अंदर आ जाते हैं। सामने कार पार्क्ड है मेरी, और ये है यहाँ पर ये जगह है ना, ये आपको जो दिख रहा है ये है यहाँ पर गार्ड रूम, गार्ड के रेस्ट करने के लिए है ये पर यहाँ पर। एंड ये भी एक एंट्रेंस है घर के लिए, एक रूम के लिए। तो इस तरीके का है यहाँ पर लॉन पूरा, ये सारे प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरह से है। और ये देखिए, ये एक प्लांट देखिए बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से यहाँ पर सदाबहार का पौधा निकल रहा है बिना किसी मिट्टी के, वो ये अपने आप ही ग्रो कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो चलते हैं हम लोग अंदर किचन में, एंड ये इस तरीके से है पूरा लॉन, बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, बहुत बढ़िया स्पेस है बड़ा। और ये मैं दिखाती हूँ एक जगह, मुझे बड़ा पसंद है ये एरिया, इसमें यहाँ पर देखिए आप ये पूरा इस तरीके से लगाए हुए हैं सारे गमले, और बहुत सारे जेड प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं। ये जेड प्लांट होता है, और ये बहुत
आराम से ग्रो कर जाता है। इसको आप यहाँ से तोड़ लो, बस डंडी लगा दो इसकी, तो ये ग्रो कर जाता है। इसका बोनसाई भी बहुत ब्यूटीफुल बनता है, बहुत ब्यूटीफुल ये बोनसाई बना हुआ है इसका। एंड ये सारे लगे हुए हैं ऑफिस टाइम, और मैं दिखाती हूँ आपको तरीके से। यहाँ पर रोजेज हैं, डुगू भी आ गया है। डुगू क्यों है बेटा आप बाहर? चलिए मजा आता है ना, ये कार वार खड़ी हुई। हाँ बेटा वो क्या, वो घर कौन सा है? वो घर किसी और का है, वो मुझे नहीं पता। यहाँ कोई बगल में होगा किसी का घर, आई डोंट नो। एंड ये कार वार खड़ी हुई है। और मैं दिखाती हूँ आपको एक चीज़ और, जो कि बच्चों की बहुत फेवरेट है। बच्चे नानी के जब भी आते हैं तो उनको इसका बहुत क्रेज़ रहता है कि हमें मम्मा झूले पे झूलना है नानी के घर जाके। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बच्चों का झूला पड़ा हुआ है यहाँ पर। एक ये वाला प्लांट भी बहुत ब्यूटीफुल है ना, सुंदर है ये, बहुत सुंदर। ये बच्चों का झूला है, ये मेरे भाई की बाइक खड़ी हुई है। डुगू मज़ा आ गया बेटा, झूला झूला दूँ? आओ। तो डुगू अपना एंजॉय कर रहे हैं झूले पे। ये है नींबू का पेड़, इसे बहुत अच्छे अच्छे मम्मी बताती हैं कि बहुत बड़े बड़े नींबू आते हैं। और ये ऊपर से एक ब्रिज दिख रहा होगा आपको, ये वो क्या कहते हैं, निराला नगर वाला ही ब्रिज है। और इधर विवेकानंद हॉस्पिटल है, ये इस तरफ विवेकानंद हॉस्पिटल है। एंड ये कपूरथला के पास में ही है ये लोकेशन। तो ये देखिए आपको इस तरह से व्यू है पूरे लॉन का, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर इवनिंग टाइम पे। वो भी उधर प्लांट्स वगैरह उधर भी लग रहे हैं, वो दिखाती हूँ मैं आपको। पिंक कनेर लगा हुआ है बहुत अच्छा सा। तो जी ये आ गया हमारा एरिया जो है लॉन का, ये मैंने आपको दिखा दिया है। मेरे पीछे पीछे आ रहा है डुगू। एंड ये है मेन एंट्रेंस घर की। और ये देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पर क्रिसमस ट्री ना। एंड मम्मी जो है समय कर रही हैं पूजा, उन्होंने भगवान जी का दिया भी जला दिया है। और ये रखे हुए हैं प्लांट्स यहाँ पर। सिम्बा का दिखाओ, सिम्बा के पास चलते हैं। तो जो ये है डॉग हमारा सिम्बा। शांत है एरिया आज, एक्चुअली लॉकडाउन है संडे को, तो एरिया पूरा शांत है यहाँ पर लखनऊ में। ज़्यादा भीड़ नहीं है इस समय, वरना ये वाला जो रोड है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। ये टेंपल है, सिद्धेश्वर टेंपल पास ही में, और ये एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हैं क्योंकि यहाँ पर विवेकानंद हॉस्पिटल है पास में ही। बाय सिम्बा, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा सिम्बा, बैठ जाओ। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला एरिया। मम्मी ने बहुत बढ़िया डेकोरेट करवाया है, इसमें जेड प्लांट लगा हुआ है हैंगिंग में, सब बास्केट्स हैं। ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। और दीपावली पे तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुई थी यहाँ पर। तो ये गेट हमने बाद में बनवाया था, यहाँ पर पहले नहीं बना हुआ था। और इस पर फिर ये अलामांडा की बेल लगा दी थी हमने, अलामांडा की बेल लगी हुई है पूरे पे, बहुत अच्छा लगता है ये एरिया। तो अब मैं चली अंदर। तो जी मैं अंदर आ गई हूँ घर के अंदर। एंड मैं अब आपको एक हमारे घर का जो जीव है उससे मिलवाती हूँ, वो है हमारा पैरट और उसका नाम है रंगीला। रंगीला हेलो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 18 इयर्स ओल्ड है ये पैरट। मैं छोटी सी थी तब से हमारे घर में है ये 18 ईयर पुराना पैरट है। और इसको मैंने छोटे से को पाला था जब जब इसके फेदर्स भी नहीं थे। मैंने इसको हैंड फीडिंग कराई थी, जैसे मैंने अपने क्रिश को कराई है ना, मैंने ऐसे इसको भी हैंड फीडिंग करा रखी है। मैं भी छोटी थी और ये भी बहुत छोटा था, तो मैंने इसको गेहूं वगैरह खिलाती थी, दाल वगैरह खिलाती थी भिगो के, इसकी छोटी सी चोंच में डालती थी। और आज इतना बड़ा हो गया है और मेरी शादी भी हो गई है, मेरे भी दो बच्चे हो गए हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको, इसके पीछे से लगातार बोल रहा है ये रंगीला। तो इसका नाम हमने रंगीला रख दिया था।
बहुत प्यारा है। और मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये है मम्मी के घर का फिश एक्वेरियम, बहुत ब्यूटीफुल सी फिशेज हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर सी। आंगन में और यहाँ कपड़े वपड़े सूखते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा एक पेड़ भी दिख गया है मुझे यहीं से, देखिए ये रहा। और ये लगी है इस पे बहुत ढेरों अमियाँ, ये देखिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, जब तक मैं वर्कआउट वगैरह अपना कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तब तक आप लोग बने रहिए और आप भी अपने अपने कुछ ना कुछ काम निपटा लीजिए। और देखिए गाइस, ये मुझे एरोप्लेन मिल गया है जाता हुआ, और मैंने इसको कैप्चर कर लिया अपने आंगन में से। बच्चे बहुत खुश हुए एरोप्लेन देख के। ये तो मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है और अब मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। ये दिक्कत 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 मेरी ब्लैक कॉफ़ी, मज़ा ही आ गया। मम्मी के यहाँ की भी वाली ब्लैक कॉफ़ी, जो कॉफ़ी है ना, डेविडॉफ करके है ये, बहुत शानदार कॉफ़ी है, बहुत अल्टीमेट इसका टेस्ट है। और ये आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे मिल जाएगी, शानदार कॉफ़ी। और ये ग्रैनुअल्स होते हैं, पाउडर फॉर्म में नहीं होती है। और मैंने भी ये पी थी, इसका शायद नेस्कैफे गोल्ड, नेस्कैफे ब्रांड की ही है, नेस्कैफे गोल्ड में आती है इसका, मेरे पास जो थी वो गोल्ड थी। ये डेविडॉफ करके नाम है इसका, ये भी बहुत शानदार टेस्ट है। और बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं बाहर, इन्जॉय कर रहे हैं, उनका प्ले टाइम चल रहा है। शगुन और माही उनके फ्रेंड्स मिल गए हैं उन लोगों को, तो वो लोग भी वहाँ इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे। तो मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, जब तक मैं अपने कॉफ़ी को इन्जॉय कर लूँ, और उसके बाद देखते हैं कि डिनर में क्या बना है, मम्मा ने आज क्या बनवाया है, तो उसको मैं चेक करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अब टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 12:30 और सब लोग सो चुके हैं, मैं ही जाग रही हूँ भूतों की तरह। और मैं आप लोगों से गुड नाइट कहने के लिए आई हूँ, एंड मम्मी भी सो गई हैं, बच्चे भी सो गए हैं। आराध्या की मॉर्निंग में क्लास है, ये अपनी ऑनलाइन क्लास, तो वो मैं उसकी अटेंड करवाऊँगी मॉर्निंग में। सब चीज़ें, सब बुक्स वगैरह हम लोग यहाँ लेके ही आए हैं उसकी, तो यहीं से वो अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेगी। एंड भैया भाभी सब लोग सो चुके हैं, मैं भूतों की तरह जाग रही हूँ। आप लोगों से गुड नाइट करने के लिए आई हूँ, तो कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ माय डिक्लेयर्स। बाय बाय।